सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दिल चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। ना रख उम्मीद ए वफा किसी परिंदे से, जब पर निकल आते हैं तो अपनी आशियाना भी भूल जाती हैं। साथ रहते रहते वक्त यूं ही गुजर जाएगा, दूर होने के बाद कौन किसे याद आएगा। जी लो ये पल जब हम साथ साथ हैं, कल का क्या पता वक्त कहाँ ले जाएगा। आज का पंचांग 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 7:36 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 11:30 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 4:13 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार, पुरानी और बेकार चीजों को जीवन से हटा देने का समय है। आप किसी पिछली स्थिति से महज किसी एहसान की भावना या मजबूरी के चलते चिपके हुए हैं, जो अब आपको कतई पसंद नहीं है। आपको इनमें से बाहर आ पाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आज अब इस स्थिति से बाहर आने के लायक मानसिक शक्ति जुटा पाएंगे। आपको अपनी इस काम में किसी घटना से भी मदद मिलेगी। आज दिन का अधिकतर समय धर्म कर्म संबंधित गतिविधियों में व्यतीत होगा, जिससे मानसिक शांति भी बनी रहेगी। राजनीतिक व्यक्तियों से मुलाकात लाभदायक साबित होगी। अगर भवन संबंधित कोई निर्माण रुका हुआ है तो आज उसके बारे में कोई निर्णय लेने का उचित समय है। आपके द्वारा तय किए गए लक्ष्य पूरा होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन काम आपके मन के मर्जी के मुताबिक होने वाले हैं। युवा वर्ग के लिए आज का दिन खास लाभदायक रहेगा। लोगों के साथ जुड़े रहते समय उनके विचारों का प्रभाव अपने जीवन पर नहीं होने देना है, इस बात का ख्याल रहे। अनपेक्षित घटनाओं की वजह से जीवन में खुशियां बनी रहेगी। काम से संबंधित दस्तावेज पूरे न होने की वजह से थोड़ी चिंता सताएगी, लेकिन काम वक्त पर पूरे होने वाले हैं। नए व्यक्ति के जीवन में आने से आनंद बना रहेगा। शारीरिक समस्या ठीक होने लगेगी। सावधानियां, कुछ नजदीकी व्यक्तियों की किसी बात को लेकर मन में भ्रम अथवा हताशा जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे अपने विचारों में स्थिरता व धैर्य बनाकर रखें। कामकाज में भी कुछ चुनौतियां सामने आएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी दोनों मिलकर घर परिवार की देखरेख संबंधित योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे, जिससे घर का वातावरण उचित और खुशनुमा बना रहेगा। कोई ऐसा आपके नजदीक है जिसका आकर्षण जबरदस्त है, लेकिन फिर भी आप अभी उनके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। निराश ना हो, उनके दिल में जगह पाने की कोशिश से ही आप उनके दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। हालांकि वे ऐसा दिखाते नहीं, लेकिन प्यार पनप रहा है। आपको बहुत जल्दी इसका एहसास भी हो जाएगा। बात करते हैं करियर की। आज के दिन नौकरी से संबंधित कामों की लिए काफी अनुकूल है। आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है और अतीत में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिला, लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थिति अनुकूल करेगा। आपकी काफी सारी परियोजनाएं सफलता के साथ फलित होगी और आज के दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्य पद पर तैनात सहकर्मियों से प्रशंसा पाने का समय है। कार्य क्षेत्र में बहुत ही सूझबूझ और दूरदर्शिता से काम लेने की जरूरत है। मेहनत के बाद भी मन माफिक मुनाफा नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकती हैं। अपने जरूरी दस्तावेज को संभाल कर रखें।
बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों को भी अनुकूलता रह सकती है। किसी के आर्थिक मदद कर सकते हैं बिना प्राथमिकता वाले मामले में धन खर्च हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रही हैं। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। इसलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और अच्छे से उसका पालन करें। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और माने, जो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखने को कहेगी। आज का उपाय। आज आप शनि देव को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।